रीवा सैनिक स्कूल के पूरा छात्र और सतना जिले के निवासी दिनेश कुमार त्रिपाठी ने भारतीय नौसेना के नए प्रमुख की कमान संभाल ली है। उन्होंने एडमिरल आर हरि कुमार की जगह ली है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने नए भारतीय नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने से पहले अपनी मां रजनी त्रिपाठी से आशीर्वाद लिया। रक्षा मंत्रालय ने बताया था कि हरि कुमार 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना चीफ का पद संभालेंगे। भारतीय नौसेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारी वाइस एडमिरल श्री त्रिपाठी के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उन्होंने अलग अलग पदों पर काम किया है। इसमें पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में उनका हालिया कार्यकाल भी शामिल है। उन्होंने 4 जनवरी 2024 को नौसेना स्टाफ की 38वें वाइस एडमिरल की भूमिका संभाली थी। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी का 15 मई 1964 को सतना जिले के रामपुर बघेलान तहसील के महुडर गांव में जन्म हुआ था। वाइस एडमिरल श्री त्रिपाठी की शुरुआती दौर की शिक्षा दीक्षा गांव से शुरू हुई। उसके बाद सैनिक स्कूल रीवा और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़क वसाला के पूर्व छात्र रह चुके हैं। उन्होंने 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना ज्वाइन की थी। एडमिरल श्री त्रिपाठी का करीब 40 वर्ष का लंबा करियर रहा। एक कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक वार एक्सपर्ट सिग्नल संचार अधिकारी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अधिकारी के रूप में उन्होंने नौसेना के फ्रंट लाइन युद्ध पोतों पर काम किया है। नौसेना के उप प्रमुख पद का संभालने से पहले वे पश्चिमी नौसैन्य कमान के फ्लैट ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। उन्होंने आईएनएस विनाश की भी कमान संभाली थी। दिनेश त्रिपाठी के परिवार में 87 वर्षीय माता रजनी त्रिपाठी, दो भाई बहन हैं। पिता का निधन हो चुका है। वे स्वास्थ्य विभाग में कंपाउंडर थे। छोटे भाई वीरेंद्र त्रिपाठी का साल 2016 में निधन हो गया था। एक और छोटा भाई धनंजय त्रिपाठी लंदन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सबसे छोटी बहन शशिकला की शादी हो चुकी है। दिनेश त्रिपाठी की पत्नी शशिकलाकार और गृहिणी है। बेटा सुप्रीम कोर्ट में वकील है। वाइस एडमिरल त्रिपाठी की नौसेना के हाईली डेकोरेटेड अधिकारियों में गिनती होती है। 2019 में अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा जा चुका है। इतना ही नहीं, उन्हें नौसेना मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। साल 2021 में उन्होंने चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला। 2 साल बाद उन्हें वेस्टर्न कमांड की जिम्मेदारी सौंपी गई। वेस्टर्न कमांड में उन्हें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाया गया। 1 मार्च 2023 से वो इसी पद पर थे। सरकार ने अब उन्हें नई जिम्मेदारी दे दी है। अब वह देश के नए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं।